नमस्कार प्रिय बच्चों, पूर्व में हमने व्यक्तिवादी दर्शन के बारे में पढ़ा और उसके दुष्परिणाम और उसके प्रभाव दोनों की हमने जानकारी प्राप्त करी। आज सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत इसके उपविषय भौतिकतावाद के बारे में पढ़ेंगे। भौतिकतावाद, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं मैटेरियलिज्म, कहने का मतलब जहाँ जीवन के स्थूल पक्ष पर बल दिया जाता है, ऐशो आराम, आनंद, जिंदगी जीने का जो दर्शन है वो केवल भोगना, ये भोगने की प्रवृत्ति जिस दर्शन के मूल में है उसे हम कहते हैं भौतिकतावाद। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए, हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़ पत्रों पर या भोज पत्रों पर लिखा गया, कागज पर लिखने का चलन बाद में हुआ। बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं। यहाँ ये बताया गया है कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ छापेखाने की मशीन का आविष्कार और कागज का आविष्कार जो है नहीं था, और हमारे यहाँ ताड़ पत्र या जो भोज पत्र, एक प्रकार के पत्ते होते हैं, उनके ऊपर जो है लिखा जाता था और जो भी अभिलेख होते थे वो उन पे लिखे हुए रहते थे। लेकिन बहुत अधिक समय बीतने पर उन्हें कीड़े जो होते हैं छोटे छोटे वो खा जाते थे और वो नष्ट हो जाते थे। लेकिन यूनानी और चीनी लोगों ने कागज़ का आविष्कार कर लिया था, तो यहाँ के जो धार्मिक मूल ग्रंथ थे उनका अनुवाद उन्होंने जो अपनी भाषाओं में किया, जैसे यूनानी और चीनी भाषा में जो अनुवाद है भारतीय ग्रंथों के, हमें वहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। जो पुस्तकें खो गई है उनमें भौतिकतावाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई, मतलब वेद, उपनिषद, उसके बाद आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और हमारे पुराण आदि जो ग्रंथ हैं इन, ये उनके बारे में बताया गया है। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकतावादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकतावादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय का गहरा प्रभाव रहा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों के रूप में किया गया है। कहने का मतलब, हमें प्राचीन काल में भौतिकतावाद का जो बोलबाला भारत में था उसका प्रमाण केवल अनुवाद ग्रंथों में मिलता है, और उत्तरोत्तर जो बाद में जो ग्रंथ लिखे गए उनमें उनका हवाला भी हमें मिलता है, क्योंकि उस समय तक वो भोजपत्रों वाले साक्ष्य कुछ एक अवस्था में कुछ थोड़े बहुत जो हैं रहे होंगे। भारत में भौतिकतावाद में के बहुत से साहित्य और को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। भौतिकतावाद ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इस तरह के जादू टोने, अंधविश्वासों की घोर निंदा की। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकतावादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। कहने का मतलब, कुछ लोगों ने बाद में भौतिकतावाद के जो विरोध में थे उन्होंने उन साक्ष्यों को नष्ट कर दिया, इसका तात्पर्य यह है। साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी, उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा न कोई संसार है, न स्वर्ग है, न नरक है, और न ही शरीर से अलग कोई आत्मा। ये भौतिकतावादी दृष्टिकोण है कि वह इस जीवन को ही वास्तविक मानता है, जो आज हम हैं वही सत्य है, इसके बाद क्या होगा, हम कैसे होंगे, हमारा क्या होगा, ऐसी किसी भी कल्पना पर उनका विश्वास नहीं है। मन और बुद्धि और बाकी सब चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है, नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ी मात्र हैं। तो इस प्रकार भौतिकतावाद केवल वर्तमान पर विश्वास करके चलता है, इस जीवन को जियो, यही भौतिकतावाद के मूल में है। तो भौतिकतावादी दृष्टिकोण जो है व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के काफ़ी समीप दिखाई पड़ता है।
तो हम इसे इसी रूप में समझेंगे। धन्यवाद।